नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में SW24 न्यूज मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि निमाड़ के दिग्गज नेता स्वर्गीय सुभाष यादव जी के सुपुत्र और पूर्व कृषि मंत्री कांग्रेस के नेता विधायक सचिन यादव जी आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा करेंगे। सचिन जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद अंडी। सुभाष यादव जी निमाड़ क्षेत्र के नहीं मध्य प्रदेश के वो एक मास लीडर कहे जाते थे। उनके जाने के बाद एक कांग्रेस में कमी सी देखी गई निमाड़ क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस संगठन को जिस तरह से बांध के रखा था। एक समय था खरगोन बड़वानी जो अविभाजित जिला था उसकी 10 में से 9 सीटें पर कांग्रेस काबिज रहती थी। एक बार फिर पिछले चुनाव में एक यह अवसर आया कि जब 6 में से 6 खरगोन जिले की सीटों पर कांग्रेस रही, लेकिन एकाएक जैसे बड़वा विधायक चले गए। कमी ये देखी जा रही कि जो उनका जो संगठन पे जो उनकी एक पकड़ थी, जो आम जनता में एक छवि थी, वो कहीं ना कहीं अब उसकी कांग्रेस में कमी देखी जा रही है। और वो चीज़ें जो है जनता आप में देखती है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि आपने अपना जो एक राजनीतिक दायरा है एक संकुचित दायरा कर लिया है, क्या इस कितने कस किस हद तक सही है ये? देखिए, मैं स्वर्गीय पिताजी की जो कार्यशैली थी और जो स्वर्गीय पिताजी के प्रति ना सिर्फ निमाड़ के लोगों को बल्कि जो प्रदेश भर के जो लोगों का स्नेह और प्यार था जी, उसकी पूर्ति तो संभव नहीं है। हम लोग सभी साथी मिलकर के कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि जो जो लाइन वो खींच के गए थे। लेकिन मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा कि निमाड़ क्षेत्र की जो जनता है, प्रदेश में भी आप जहाँ भी जाते हैं आप में स्वर्गीय सुभाष यादव की छवि देखती है जनता, मैं उस चीज़ को जोड़ करके आपसे जवाब चाह रहा था। नहीं देखिए, निश्चित रूप से हम सबकी साथियों की कोशिश और प्रयास है कि स्वर्गीय पिताजी के जितने भी अधूरे कार्य हैं, जो स्वर्गीय पिताजी की मंशा थी और जिस प्रकार से स्वर्गीय पिताजी ने किसानों के लिए और गरीब और जो हमारे खेतीहार जो किसान मजदूर साथी हैं उनके लिए जो लड़ाई छिड़ी थी, उस लड़ाई को हम लोग आगे भी जारी हम लोग रखने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हमारी इस लड़ाई में पूरे प्रदेश भर के हमारे जो साथी लोग हैं उन साथी लोगों का हमारा सहयोग है। और यही कारण है कि जो 2018 में जो हमारी सरकार बनी थी, उस सरकार को बनने में जो है हमारे किसान और हमारे जो खेतीहर मजदूर साथी हैं, हमारे जो गरीब तबका है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। निमाड़ में यह कहा जाता है कि स्वर्गीय सुभाष यादव जैसा जो नेता खाली है वो खाली है, उनका जैसा आम जनता में जो भी उनका एक नियंत्रण रहा, किसानों के मसीहा कहे गए, सहकारिता को पूरे प्रदेश में उन्होंने ही एक बूम पर लेकर आया। और आज सहकारिता में हम जो भी देख रहे हैं ये स्वर्गीय सुभाष यादव जी की ही देन है। स्वाभाविक है कि उनके जैसा नेता यहाँ आना काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है आगे देखिए समय बताएगा उसको। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति है, कांग्रेस ने जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उन्होंने वादा किया था चुनाव में भी कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, काफ़ी किसानों के कर्जे माफ़ रह गए। एक कुछ समय के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, किसान एक बार फिर से आस कर रहे हैं, क्या इस चुनाव में उन वादों को फिर से रिपीट किया जाएगा जो अधूरे रह गए? देखिए, निश्चित रूप से 2018 में जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश का दौरा उन्होंने किया जी, तो एक चीज़ स्पष्ट रूप से निकल कर बाहर आई कि हमारा मध्य प्रदेश का किसान पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के कारण दुखी और परेशान था और लगातार वो कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा था। और यही कारण था कि पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में नंबर 1 पहुँच गया था। और उसी दिन आदरणीय राहुल जी ने ये संकल्प लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम हमारे किसानों के को ये जो कर्ज के दलदल है इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालने का काम करेंगे। और उनकी सोच के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने तय किया सरकार में आने के बाद हम लोग किसानों का 2 लाख तक का हम लोग ऋण माफ़ करेंगे। और ये पहली ऐसी योजना थी, देश की पहली ऐसी योजना थी जहाँ पर
सिर्फ उन किसानों को ऋण माफी में शामिल नहीं किया जिनके खाते कालातीत हो गए थे, बल्कि उन किसानों को भी सम्मानित करने का काम किया गया जो कि नियमित रूप से अपने ऋण की अदायगी करने का काम करते थे। और मुझे इस बात का गर्व है कि उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को धरातल पर उतारने के लिए, उस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारने के लिए का जिम्मा मुझ जैसे नौजवान को आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने वो जिम्मा मेरे युवा कंधों पर दिया और हमने अल्प समय में ऐतिहासिक हमने इस योजना को हमने आगे बढ़ाने का काम किया, जहाँ पर मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों के हम लोगों ने 11,600 करोड़ का ऋण माफ़ करने का काम हम लोगों ने किया था। और इसमें 10 लाख ऐसे किसान साथी थे जिनके लिए बैंकों के दरवाजे, जिनके लिए सोसाइटियों के दरवाजे पूर्ण रूप से बंद हो चुके थे, उनके हमने ऋण माफ़ करके उनके खाते चालू करवाने का काम किया और उनको पुनः ऋण मिले ऐसी व्यवस्था भी करने का काम हम लोगों ने करा। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, जिस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को धनबल के दम पर सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में सरकार को गिराने का, निर्वाचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया गया, और सरकार में आने के बाद जो लोग अपने आप को बड़े बड़े दावे करते थे, अपने आप को बड़े किसान हितेशी बताते थे, सरकार में आने के बाद हमारी जो ऋण माफ़ी की योजना थी उसको बंद कर दिया गया। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि सरकार बनने के बाद जो हमारे किसान साथी बच गए हैं उनको हम सरकार बनने के बाद पुनः हमारे ऋण माफ़ी का लाभ देने का काम हम लोग करेंगे। सचिन जी, आप कृषि मंत्री रहे कमलनाथ सरकार में और आपने किसानों की दशा को लेकर चिंतन भी किया और कुछ कार्यों में आप आगे भी बढ़े। स्वर्गीय सुभाष यादव जी का एक सपना था कि हर किसान के खेत तक पहुँचे पानी, और उन्होंने महत्वपूर्ण जो इंदिरा सागर परियोजना है उससे जुड़ी कई जॉइंट योजनाएं थी उनको लेकर के वो आगे बढ़े, जैसे ओंकारेश्वर परियोजना है, खारक परियोजना है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि 2013 तक जैसे इंदिरा सागर का कार्य, जॉइंट केनाल का भी पूरा हो जाना चाहिए था, किसानों को काफ़ी लेट हो रहा है। और किसान आज जो भाजपा सरकार है, आज वो जहाँ भी नहर जा रही है तो वो खुशियाँ मना रहे हैं। कमलनाथ सरकार में देखा गया कि नहर को लेकर के जैसे आप आगे भी बढ़े, लेकिन ये रहा कि कुछ समय बाद सरकार चली गई, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आने वाले समय में निमाड़ के सभी किसानों को, लेकिन इस योजना का जो दायरा है, क्या उस दायरे तक, आखिरी किसान तक ये पानी पहुँच पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से स्वर्गीय पिताजी की हमेशा सोच रही है और उनका जो पूरा राजनीतिक जीवन रहा है, उस राजनीतिक जीवन की एक मूल जो उनकी मंशा रहेगी, उनकी सोच रहेगी, तो वो था किसान के खेत में पानी पहुंचना। उनका हमेशा ये कहना था, सोचना था, क्योंकि वो स्वयं किसान थे, स्वयं खेती किसानी करते थे, स्वयं अपने हाथों से उन्होंने, कई बार हुआ मैंने उनको खेतों में जाकर के देखा है, वो स्वयं अपने हाथों से खेतों में क्यारियां बनाते थे, पौधों को देख सारा कुछ वो एक किसान की भांति करते थे, इसलिए वो मैं वो भी पूछना चाह रहा हूं कि उस दर्द को समझते थे, लेकिन आज तक काफ़ी समय हो गया, तो क्या कांग्रेस के कार्यकाल में, जैसे कि आप कृषि मंत्री रहेंगे और स्वाभाविक है आपका एक दायित्व भी बनेगा ये, तो क्या इन अगले 5 सालों में हम ये माने कि ये नहरें अंतिम किसान तक पहुंचेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये हमारी कोशिश ही नहीं, हमारा प्रयास भी रहेगा कि हम लोग स्वर्गीय पिताजी के जितने भी अधूरे सपने हैं उन सपनों को हम लोग पूरा करें, और मध्य प्रदेश का किसान तभी आगे बढ़ पाएगा, तो हमारा मध्य प्रदेश का किसान तभी खुशहाल हो पाएगा, उसकी उन्नति और तरक्की तभी संभव हो पाएगी जब किसी के पर्याप्त साधन जो है, सिंचाई के पर्याप्त साधन हमारे किसानों तक पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी उन्नति और तरक्की होगी। सचिन जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबले देखे जा रहे हैं, और दोनों ही पार्टियाँ जो हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि फ्री की रेवड़ी, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करती रही है, लेकिन आज दोनों दल जो हैं वो पूरी तरह से बांटने पे आ गए हैं, वो उसको रेवड़ी कहें हम या अनुदान कहें या कुछ भी कहें। शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना शुरू करी, तो उसके जवाब में कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना शुरू कर दी, तो आपको ये नहीं लगता कि ये सारी चीज़ों के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी कोई निर्णय और फैसला करती है तो हर पहलू पे बड़ी गंभीरता से विचार करने के बाद ही हम लोग को निर्णय और फैसला करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कोरी घोषणाएं करने का काम नहीं करते हैं। आप
भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब सरकार में आए हैं हर बार कोई ना कोई झूठ का सहारा लेकर सरकार में आए हैं। आप इनकी इतिहास उठा करके देखें, पटवा जी की सरकार बनी तब कहा गया कि सुई से ट्रैक्टर तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा। 2008 में शिवराज सिंह जी ने सरकार बनाई तब कहा गया था 50,000 रुपये किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। केंद्र में सरकारें बनी जहां पर 15,00,000 रुपए किसानों के देश के हर नागरिक के खाते में डालने की बात कही गई, लेकिन एक भी वादे को, एक भी वचन को, एक भी घोषणा को पूरा करने का काम नहीं किया। सरकार बनने के बाद बड़ी बेशर्मी से ये कहकर कि वो तो जुमले थे, वो जुमला कहकर के अपने हाथ झटकने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जब जब कोई बात कही हमने उस बात को अक्षर धरातल पर उतारने का काम किया। हमने हमारी सरकार बनी थी 2018 में, हमने कहा था किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, हमने किसान का कर्ज माफ़ करने का काम किया। हमने कहा था कि किसानों के जो बिजली के बिल हैं वो बिजली के बिलों को अदा करने का काम करेंगे, वो हमने करने का काम किया। हमने कहा था कि हम पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम किया करेंगे, 300 से 600 रुपए हमने पेंशन की राशि बढ़ाने का काम किया। हमने कहा था कि हम जो कन्यादान योजना, जो निकाह योजना है, उसकी राशि बढ़ा करके 51,000 रुपये करने का काम करेंगे, वो हमने करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी ने जब जब जो जो बातें कही हैं हमने उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। सचिन जी, कृषि मंत्री रहते हुए आपकी जो जन्मभूमि है, जो आपका एक कर्म क्षेत्र है निमाड़, इसको लेकर के आपने क्या योजनाएं बनाई थी? समय कम रहा आपके पास, लेकिन किस हद तक आप उन सपनों को, उन जो आपने विचार किए थे उसमें आप संकल्पों में आगे बढ़ पाए, और आने वाले जो समय में, क्योंकि स्वाभाविक है कि कमलनाथ सरकार या कांग्रेस की सरकार बनती है तो कृषि मंत्री आप ही होंगे, और हमारी शुभकामनाएं अभी से आपको है, तो हम चाहेंगे कि वो आप संकल्प जो है वो बताएं, और कौन से आपने कार्य शुरू करे थे जो आपकी भावी योजनाएं थी? देखिए, मैं हमारी जो कसराव विधानसभा है ये हमारी एक परिवार है हमारा, और यहाँ का विकास हमेशा हमारे लिए सर्वप्रिय रहा है। स्वर्गीय पिताजी के ज़माने में जब वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, उस ज़माने में हमने यहाँ के कसरावत के विकास का एक नया अध्याय हमने शुरू करने का काम किया था। पिताजी के ज़माने पर करोड़ों करोड़ रुपए के अनेकों काम जो है कसराव विधानसभा में हुए हैं। 2013 में मुझे यहाँ की जनता ने पहली बार जिता करके भेजा, एक आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। 2018 में पुनः मुझे आशीर्वाद देकर के विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा और मंत्री बनने का मौका मुझे मिला। मैंने मंत्री बनने के बाद हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिसको हम लोग एक सेकेंड अध्याय जो है विकास का, सेकेंड एजेंडा हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम हम लोगों ने करा था, और जिसमें सिंचाई के साधनों के मामले में तो हमारा कसावत काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया है। हमारी दो परियोजनाएं हैं जो हैं, बलकवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना हो, चाहे हमारी जामनिया चोंडी योजना हो, चाहे अंबारोड़िया योजना हो, ये योजनाएं लगभग पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं, और ये योजना जब पूर्ण हो जाएंगी तो हमारा कसावत विधानसभा क्षेत्र लगभग 99% जो है सिंचित हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इसके बाद सिंचाई के साधनों के बाद आज जो किसानों की जो मूल समस्याएं हैं, जहाँ पर किसानों को अपनी उपज लाने के लिए, खेत से अपनी उपज अपने खलिहान में मंडी तक पहुँचाने के लिए बड़े संघर्ष करना पड़ता है, तो इसलिए खेत सड़क योजना जो है हमारी महत्वपूर्ण हमारे विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगी। इसकी शुरुआत भी हम लोगों ने करी थी। हम लोगों ने जब मैं मंत्री था तो लगभग 200 करोड़ की मंडी निधि से हमने 12 सड़कें हमने मंजूर कराने के का काम हम लोगों ने करा था, और उन योजनाओं का टेंडर हो चुकी थी, पूरी जो प्रक्रिया होती थी एजेंसियाँ फाइनल हो चुकी थी, कृषि विभाग से मंडी से वो जो राशि थी उसकी 50% राशि हमने पीडब्ल्यू विभाग, क्योंकि वो क्रेनवे एजेंसी थी, उस तक हमने ट्रांसफ़र करने का काम हम लोगों ने करा था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारी सरकार जाने के बाद हमारी वो जो सड़कें हैं उस सड़कों को ठंडे बस्ते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, और आज दिनांक तक उन सड़कों पर मंजूरी देने का काम सरकार ने नहीं किया। तो खेत सड़क हमारी एक प्राथमिकता रहेगी। हमारा ये जो है पूरा मध्य प्रदेश जो है हमारा निमाड़
एक पूरी कृषि प्रधान है और हमारी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने देखा, हमने महसूस किया कि हमारे इस निमाड़ क्षेत्र के विशेष करके हमारे खरगोन, बड़वानी, धार के बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए उनको दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। और इसीलिए हमारी सरकार में रहते हुए हम लोगों ने सतराटी में हमारा जो कृषि विभाग का अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर एक कृषि कॉलेज खोलने के लिए हम लोगों ने बड़ी तेज़ी से हम लोगों ने काम शुरू किया था। और जब हमारी सरकार गिरी थी उससे पहले हमारा जो बजट हम लोग लाने वाले थे उसमें हम लोगों ने इसके लिए प्रावधान भी हम लोग करने जा रहे थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग कृषि की पढ़ाई हो, खेती किसानी की पढ़ाई हो, उसके लिए भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का हम लोगों ने काम किया था। हम लोगों ने कसरावद में हमारे जो नौजवान साथी हैं उन नौजवान साथियों के लिए एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना करने के लिए भी हम लोगों ने उसका भूमि पूजन किया था, लेकिन दुर्भाग्य सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद हमारा वो जो कौशल विकास केंद्र था उसको उठा करके इंदौर ट्रांसफ़र करने का काम किया गया। और ऐसे तमाम जो है खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य हम लोग करने जा रहे थे। हॉर्टिकल्चर के लिए हम लोग एक बड़ा हॉर्टिकल्चर जोन जो है हम लोग कसरा विधानसभा में हम लोग स्टैब्लिश करने जा रहे थे, उसके लिए जगह वगह भी हम लोगों ने चिन्हित कर ली थी। तो ऐसे तमाम कार्य जो है ताकि हमारे नौजवानों को काम भी मिल सके, प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग स्टैब्लिश करना चाह रहे थे हमारे पूरे क्षेत्र में, तो इस तरह के कार्य हम लोग जो है करना चाहते थे। और हमारी जब सरकार रही थी तो हमने जिस प्रकार से हमारी सरकार में रहते हुए हम लोगों ने सूचना का अधिकार का कानून हम लोगों ने बनाने का काम किया, हम लोगों ने खाद्यान्न का के अधिकार का कानून हमने बनाने का काम किया, शिक्षा का अधिकार हमने बनाने का काम किया था, उसी प्रकार से जल का अधिकार देने का कानून भी हम लोगों ने बनाया था। और उसके तहत हमने एक महती हमारी योजना लगभग 130 गांव की निमरानी सामूहिक नलजल योजना हमने मंजूर करी, जिसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपए से भी ऊपर थी, उसको हमने मंजूरी दिलाई है, उसकी का काम शुरू हो गया है। और उस योजना के माध्यम से आने वाले समय में इन 130 गांवों में माँ नर्मदा का फिल्टर्ड पानी जो है हम हमारे माता बहनों के, हमारे किसानों के, गरीबों के घरों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। तो ये इस तरह की तमाम जो विकास की हमारे कसरा विधानसभा की विकास की बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने शुरुआत करी थी। कसरावद चूँकि हमारा एक बड़ा हमारे विधानसभा का मुख्यालय भी है, तहसील हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पर भी हमारा जो कसरावद का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको बढ़ा करके, जो अभी वर्तमान में 30 बिस्तरीय है और उसको बढ़ा करके हम लोग 100 बिस्तर का हम लोग करने जा रहे थे, उसकी भी हमारी पूरी तैयारी, प्रपोजल्स हमारे बन करके तैयार थे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत बड़ी तेज़ी से हम लोग कदम आगे हमारी सरकार के द्वारा हम लोग बढ़ा रहे। तो ऐसे तमाम कार्य हम लोग कर रहे थे। कसरावद शहर के लिए हमारे बहुत सारे हमारे सपने थे जो हम लोग हमारी सरकार में रहते हुए हम लोग को पूर्ण करना चाह रहे थे। बहुत सारे हमारे जो खेल प्रेमी हमारे युवा साथी हैं उनके एक लंबे समय से एक स्टेडियम की मांग थी जिसको हम लोगों ने हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे थे। एक कम्युनिटी सेंटर, एक ऑडिटोरियम की मांग हमारे साथियों की रही थी, उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे थे। कसरावद विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वर्षों से जो है पारंपरिक रूप से लोग अपने अंतिम संस्कार के लिए अपने परिजनों को ले जाने का काम करते थे। ऐसे मुक्ति धामों को हमने चिन्हित करने का काम किया था और उन मुक्ति धामों को विकसित करने की एक पूरी कार्य योजना हम लोगों ने तैयार करके रखी थी और जिसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम कर हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ऐन समय पर हमारी सरकार चली गई और उस कारण से हमारी जो मंशा थी वो मंशा को हम लोग धरातल पर नहीं उतार पाए। लेकिन अब जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में जो वातावरण है, जो पूरे देश में वातावरण है, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है जन जन जो है खड़ा हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी कार्य जो हम लोगों ने जिसकी शुरुआत करी थी उन कार्यों को हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे और कसरा विधानसभा के कार्यों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी जब सरकार थी तो हमने बहुत से ऐसे रोड थे जो लगभग 18 साल से मेरे स्वर्गीय पिताजी के जाने के बाद, सरकार के जाने के बाद
उनकी सूद किसी ने नहीं ली। हमने सरकार में आने के बाद ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण रोडों को भी PWD से हमने स्वीकृत कराने का काम हम लोगों ने करा था, चाहे वो हमारे ओजरा मेन रोड से लेकर के हमारा जो टांडा है ओजरा टांडा वाला हो, चाहे हमारा बामखल से लेकर के रामपुरा का रोड हो, चाहे हमारा कवड़ी से लेकर भनगांव दुर्गापुर का रोड हो, ऐसे कई सारे जो है रोडों को हमने स्वीकृत कराने का काम हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने करा था। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के पास एक लंबी फेरिहस्त है विकास कार्यों को जो उन्होंने अंजाम दिया है गिनाने के लिए। ब्रेक के बाद हम उनसे उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो आगामी विधानसभाओं में कांग्रेस को जीत में मदद दिलाएगा। फिलहाल आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस के विधायक दिग्गज युवा कांग्रेस नेता सचिन यादव। सचिन जी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतर रही, क्योंकि भाजपा ने तो ये कहा है कि विकास का मुद्दा, कांग्रेस भी कई मुद्दों पे बात कर रही है, बेरोजगारी है, औद्योगिक विकास है, कई चीज़ों को लेकर, लेकिन बार बार कांग्रेस जो मुद्दे बना रही, जैसे अभी एक आदिवासी के ऊपर एक अमानवीय घटना हुई उसको कांग्रेस ने काफ़ी उछाला, तो ये देखा जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, हमारे पास गिनाने के लिए बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस प्रकार से 15 महीने का हमारा शासनकाल रहा और जिस प्रकार से 15 महीने में हमारी सरकार चली, उसने प्रदेश की जनता की आंखें खोलने का काम किया। प्रदेश की जनता को ये एहसास हुआ कि सरकार क्या होती है, सत्ता क्या होती है, शासन क्या होता, प्रशासन क्या होता है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी कहते हैं कि सरकार चलाने में और जवान चलाने में बहुत अंतर होता है, और 15 महीने की उस सरकार में हमने ये सारी चीज़ें हमने करके दिखाई हैं। हमने कहा था कर्ज माफ़ करेंगे, हमने करके दिखाए। हमने कहा था बिजली बिल आधा करेंगे, करके दिखाएंगे। जितने भी वादे हम लोगों ने, वचन हम लोगों ने करे थे, उन वचनों को पूरा करने का काम हम लोगों ने करा था। पहली ऐसी सरकार थी, पहला ऐसा मंत्रिमंडल था जहाँ पर आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार प्रत्येक जो मंत्री था अपने विभाग के जो भी वचन थे उन वचनों की किताबों को लेकर के बैठते थे। हम हमारे वचन पत्र लेकर बैठते थे, और पहली ऐसी सरकार होगी जिसने 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने का काम हम लोगों ने करा था। तो ये सारे मुद्दे हम लोग लेकर के हम लोग जाएंगे, और आगामी हमारी प्रदेश को लेकर के हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी की जो सोच है, जो विज़न है, वो विज़न लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। जिस प्रकार से आदरणीय कमलनाथ जी ने नारी सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया, जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण को हमारी माता बहनें कैसे आगे बढ़ें, कैसे हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से सक्षम हों, कैसे वो आगे, कैसे उनकी चेहरे की रंगत बदले, उनकी साड़ी का कलर बदले, ये सारी सोच को लेकर के एक नारी सम्मान योजना जो है हम लोगों ने चालू करी है, जिसमें हमारी माता बहनों को हम लोग 1500 रुपये प्रति माह देने का काम हम लोग करेंगे, और यही नहीं 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। आज आप देखिए कि अगर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार अगर कोई झेल रहा है तो वो मेरी माता बहनें झेल रही हैं। आज एक गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार के बीच में आप चले जाइए, आज आप देखिए जिस प्रकार से उनके मन में एक चिंता है, एक परेशानी है कि अपने शाम को उसके घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, शाम को उसे परिवार के लोगों को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस चिंता को सरकार में आने के बाद हम लोग दूर करने का काम करेंगे। हम लोगों ने ये भी देखा कि जहाँ जहाँ हम लोग दौरे करते हैं, मिलते हैं, तो महिलाओं की एक शिकायत हमेशा हमें बनी रहती है, माता बहनों की शिकायत हमेशा बनी रहती है कि बिजली के बिल के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार लूटने ठगने का काम कर रही है। हमारी सरकार जब बनी थी तो हम लोगों ने प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे सस्ती बिजली देने की योजना हम लोगों ने बनाई थी, जहां पर मात्र 1 रुपये में 1 यूनिट, 100 रुपये में 100 यूनिट हमने योजना लागू करने का काम हम लोगों ने करा था। और उस योजना के तहत देश के, प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को हम लोगों ने उसका लाभ पहुंचाने का काम करा, जहां पर बिना किसी नियम, बिना किसी शर्त के हमने उस योजना को लागू किया था।
उससे हम लोग एक कदम आगे बढ़ना जा रहे हैं, आगे बढ़ के हमने एक नई योजना हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें 100 यूनिट तक की बिजली बिल माफ़ होगा और 200 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ होगा। तो इस प्रकार से बिजली के बिलों के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी लूटने और ठगने का सिलसिला पिछले 18 सालों से प्रदेश की जनता को लूटने ठगने का काम कर रही, उस सिलसिले को हम लोग इस योजना के माध्यम से रोकने का काम करेंगे। सचिन जी, ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी पार्टी के नेता को लेकर बैठें तो वो अपनी पार्टी के जो किए गए हैं कामों को गिना, इससे ज़्यादा वो विपक्षी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना है, उसकी नाकामी गिनाने में ज़्यादा अपने आप को सक्षम महसूस करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कांग्रेस की वो चीज़ें गिना रहे हैं जो उसने की है। मैंने आपसे पूछा कि आदिवासी एक व्यक्ति के साथ एक अमानवीय घटना हुई, उसको लेकर कांग्रेस ने विरोध भी किया और धीरे धीरे वो एक सामाजिक मुद्दा सा बनती जा रही है। इस प्रकार के मुद्दे राजनीति में या चुनावी वातावरण में शामिल किया जाना, आप कहाँ तक इसको उचित समझते हैं? देखिए, इसको आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारे जो आदिवासी वर्ग है, उस आदिवासी वर्ग की एक बहुत बड़ी संख्या है और लगभग 47 से 48 जो है हमारे आदिवासी विधायक चुन करके आते हैं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अत्याचार के मामले में देश में नंबर वन है। जहां पर मध्य प्रदेश में लगभग 30,400 अपराध हमारे आदिवासियों के खिलाफ जो है पंजीकृत हुए हैं। और जिस प्रकार से सीधी की जो घटना हुई है, उस सीधी की घटना में जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को जो तार तार करने का काम किया गया, उसको शर्मसार करने का काम किया गया, जिस प्रकार से एक आदिवासी भाई के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जिस व्यक्ति ने ये घटना करी है, जिस व्यक्ति जो इसके पीछे था, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो एक निर्वाचित व्यक्ति का एक प्रतिनिधि था, एक जिम्मेदार व्यक्ति था। और उसकी जो हिम्मत हुई है, उसकी जो हरकत हुई है, वो इस बात की तरफ इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कानून है, उस कानून को अपना काम नहीं करने जाता है, कानून के रास्ते में ये लोग बाधा डालते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों की हिम्मत होती है, ऐसे लोगों की का साहस बढ़ता है और इस तरह की घटनाएं जो हैं होती हैं। और सीधी ही घटना नहीं, आज का भी समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, कल का भी समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, लगातार हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में इस प्रकार की घटनाएँ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और क्या कारण है कि हर घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो आदिवासी विरोधी जो चेहरा है, वो चेहरा जो है, उनकी जो मानसिकता, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है हमारे आदिवासी भाइयों के प्रति, वो उनके इस हरकतों से, इनके इस कृत्य से समाज के सामने और देश के सामने आ रही है। सचिन जी, आपने एक कहा अभी कि कसरा क्षेत्र में एक आप ऑडिटोरियम की बात कर रहे हैं जो एक स्पोर्ट्स सेंटर बन जाए। खरगोन जिला, बड़वानी जिला, धार, खंडवा, बुरहानपुर, मुख्यतः ये आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक बड़ी आबादी जो है आदिवासी इसमें रहती है। लेकिन अभी तक जैसे हम खरगोन जिला मुख्यालय की बात करें तो नगर पालिका के पास अपना खुद का एक खेल मैदान नहीं है। जो शासकीय मैदान है उस पर खेल एवं युवक कल्याण विभाग जो है 100 रुपये प्रति माह लेता है, अगर आपको वहाँ पर वॉकिंग करने भी जाना है तो 100 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल एवं युवक कल्याण विभाग ये जो कार्रवाई कर रहा है, ये जो पैसे ले रहा है, और ये कांग्रेस के शासनकाल में जब जीतू पटवारी जी थे मंत्री तब ये शुरू हुआ, तो क्या आने वाले समय में कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी स्टेडियम बने हैं उनमें ये जो 100 रुपये जो एंट्री कर रखी है मेंटेनेंस या किसी भी नाम पर हो, मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो समर्थ लोग नहीं हैं उन खिलाड़ियों से ये लिया जाना गलत है। तो इसको लेकर के क्या कुछ किया जाएगा और क्या खरगोन जिले में एक सर्व सुविधायुक्त खेल कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन पाएगा जिससे यहाँ के खिलाड़ी
ऊपर तक जा सके। आप खुद एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो मैं समझता हूँ आप खिलाड़ियों की समस्याओं को बहुत नज़दीक से समझते हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरे खेलों में बड़ी रुचि रहती है, और मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रतिभाएँ हैं उनको हम लोग प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि वो भी बड़े बड़े स्तरों पर जा कर के अपना नाम रोशन कर सकें। दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 18 सालों में ग्रामीण खिलाड़ियों के विकास, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में, उनको ट्रेनिंग के लेकर के उनकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उनको जो मिलना चाहिए वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों को नहीं मिल पाया, और इसी कारण से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएँ हैं वो आगे नहीं आ पाई, उनको अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पाया, मौका नहीं मिल पाया है। तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो हमारी प्राथमिकता में हमारे खेल गतिविधियों को भी हमारी आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग एक पूरी रोड मैप बना कर के जो है हम लोग आगे का प्रदेश का के ये खिलाड़ी जो हैं उसको उनको प्रोत्साहित करने का काम हम लोग निश्चित रूप से करें। निमाड़ क्षेत्र जो है मिर्च की एक बड़ी मंडी है, एशिया में इसका नाम लिया जाता है, कॉटन के भी हम वृहद स्तर पर यहाँ उत्पादन होता है, लेकिन ये दोनों किसान जो हैं अभी तक इनको पूरी तरह से जो प्रोसेसिंग के यहाँ पे होना चाहिए फैक्ट्रीज वो नहीं है, यानी जो एक संरक्षण मिलना चाहिए इन फसलों को, इन जो फसल को पैदा कर रहे हैं किसानों को, वो नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए क्या कोई योजना है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो निमाड़ की मैं बात करूँ, खरगोन जिले की हम लोग बात करें, तो हमारे यहाँ पर एक लंबे समय से हम लोग जो है कपास की खेती कर रहे हैं, मिर्च की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती हम लोग कर रहे हैं, और ये सारी जो फसलें का उत्पादन होता था, और स्वर्गीय पिताजी की हमेशा सोच रही थी कि जब तक हम लोग किसी पे आधारित उद्योगों को स्थापित करने का काम नहीं करेंगे, हम लोग हमारे किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य, उचित दाम हम लोग नहीं दे पाएंगे। स्वर्गीय पिताजी ने अपने समय पर बहुत सारी कोशिश की, प्रयास किया, जहाँ पर सहकारिता के माध्यम से एक सूत मिल का की स्थापना करने का काम उन्होंने किया, उन्हीं के प्रयासों से एक शुगर फैक्ट्री की स्थापना कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोगों ने करने का प्रयास किया, लेकिन पिछले 18 सालों में हमारे यहाँ के उद्योग कैसे, कृषि आधारित उद्योग कैसे बढ़े, इस दिशा में कोई ठोस प्रयास, कोई ठोस रणनीति या कोई ठोस योजना जो है सरकार ने नहीं बनाई, और उसी का कारण है कि आज हमारा जो ज़िला है वो सारी संभावनाएं होने के बाद भी आज हमारे पास रॉ मटेरियल है, आज हमारे पास उत्पादन है, आज हमारे पास लेबर है, स्किल्ड लेबर है, आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं जो यहाँ पर पैसा निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण, सरकार की निराशा के कारण जो है हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। 18 महीने की हमारी सरकार थी, हम लोगों ने उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे कॉटन से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जिनिंग के आगे के बाद जो यूनिट्स होते हैं उसको लेकर के एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार करा था। हम लोगों ने चूँकि हमारे यहाँ पर मिर्च की बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पर उत्पादन होता है, खेती होती है, सरकार में आने के बाद हमने सबसे पहले इस फसल को लेकर के एक मिर्च महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने करा था, और उस आयोजन में हमने तमाम तरह के लोगों को हम लोगों ने बुलाया था, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो बीज सप्लायर्स हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सप्लायर्स हो, चाहे वो प्रोसेसिंग जुड़े हुए लोग हों, ऐसे तमाम लोगों को हमने वहाँ पर बुला करके, और जिसका एक बड़े पैमाने पर लगभग 40 से 50 हज़ार किसानों ने उस मिर्च महोत्सव में जो है सम्मिलित होने का काम उन लोगों ने किया था, और मिर्च की फसल से जुड़ी हुई सारी बारीकियां जो हैं उन्होंने सीखी, और उसी का परिणाम था कि मिर्च महोत्सव के बाद जो अगला सीज़न आया था उसमें हमारे मिर्च का रकबा बढ़ा था, और हम लोग उसके आगे प्रोसेसिंग और बाकी जो उसकी मार्केटिंग को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के हमने एक जो व्यू रचना बनाई थी उसको हम लोग सरकार जाने के बाद जो है हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में हम लोग जो है हमारे जो काम जहां रह गए थे, अधूरे रह गए थे, हम वहीं से शुरुआत करेंगे, और
ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो यहाँ के कपास उत्पादक हो, चाहे वो हमारे मिर्च के उत्पादक हो या चाहे अन्य जो हमारी फसलें हैं उनका जो उत्पादन है बड़े मात्रा में होती है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र कसरावदी नहीं, खरगोन जिला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को लेकर एक सपना बुन रहे हैं जिससे किसानों को और कृषि से जुड़े जो भी मजदूर वर्ग हैं उनको फ़ायदा मिल सके, कृषकों की आय बढ़ सके, साथ ही कृषि आधारित उद्योगों के विकास को लेकर भी आप स्थानीय स्तर पर जो उनके संचालन की बात कर रहे हैं, निसंदेह इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा और प्रदेश जो कृषि कर्मण अवार्ड ले रहा है उसमें और भी आगे जाएगा वो। लेकिन हम फिर से लौटते विधानसभा चुनाव की ओर, अंतिम दौर में मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि प्रदेश का मतदाता कांग्रेस को वोट दे और क्या कारण है कि भाजपा को वोट न दे? देखिए, प्रदेश की जनता ने लगभग 18 साल का समय मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिया था, लेकिन जिस प्रकार से जो उम्मीदें आम जन को प्रदेश की सरकार से थी, उन उम्मीदों पर ये सरकार खरी नहीं उतर पाई। और आज जिस प्रकार से हर क्षेत्र में देख लीजिए, कानून के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, नौजवानों की हम बात कर ले, माता बहनों की सुरक्षा की हम बात कर ले, हर क्षेत्र में ये सरकार जो है पिछड़ी है। और कहीं ना कहीं ये लचर व्यवस्था के कारण आज पूरा मध्य प्रदेश का आमजन दुखी और परेशान है। और जिस प्रकार से 15 महीने की हमारा शासन काल रहा है और उस शासन काल में लोगों ने सरकार और सत्ता कैसी होती है, प्रशासन क्या होता, उस चीज़ को देखा, और जिस तेज़ी से हम लोगों ने अपने वचनों को, अपने वादों को अमल करने का काम हम लोगों ने करा था, तो एक राजनीति में विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यही विश्वास हमने जो है मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीतने का काम किया था, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी कमाई है। और मैं समझता हूँ इसी विश्वास के दम पर जो है आगामी हमारे 2023 के जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उन चुनाव में हम लोग जाएंगे और हमारी जो उपलब्धियाँ जो है प्रदेश की जनता ने देखी हैं, उसको महसूस किया है, उन सारे विषयों को लेकर के जाएंगे निश्चित रूप से। और एक परिवर्तन की लहर जो है पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, तो निश्चित रूप से जो है ये सारे विषय लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है एक अच्छा वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में निर्मित है, एक कांग्रेस के पक्ष में जो है लोग चाहते हैं माहौल बन रहा है, और एक बड़ी तादाद में हमारे कांग्रेस के विधायक चुन करके आएंगे और एक बहुमत की सरकार जो है हम लोग बनाने का काम करेंगे। चुनावी हलचलें तेज है, आपकी भी जो व्यस्त दिनचर्या है इन दिनों, वैसे तो ये कहा जाता है कि खरगोन जिले में एक ही विधायक हैं जो लोगों के सुख दुख में, हमने पता भी किया, कहीं भी कोई खुशी का मौसम हो या कोई गम का वातावरण हो वहाँ पे सचिन यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। आज हमने आपका काफ़ी समय लिया, अगला कार्यक्रम आपका क्या है और कैसा माहौल चल रहा है चुनावी माहौल? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये हमारा यहाँ पर हमारे लोगों से वोट के रिश्ते नहीं हैं, ये हमारे यहाँ पर पारिवारिक रिश्ते हैं और ये रिश्ते लगभग 3 पीढ़ी से हैं। मेरे दादाजी के समय से, मेरे पिताजी के समय से ये रिश्ते जो है कसरावद क्षेत्र के लोगों से बने हुए हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ का लोगों का प्यार, यहाँ का स्नेह, एक अटूट संबंध, एक विश्वास की जो डोर है, कड़ी है, वो पिछले 3 पीढ़ी से चली आ रही है। और यही कारण है कि हम लोग इस परिवार के लिए जितना भी हम लोग प्रयास होता है, कोशिश होती है, हमारे हर संभव प्रयास और कोशिश इस यहाँ के लोगों के लिए रहती है। आपके बड़े भाई जो श्री अरुण यादव पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, आपके जो चुनावी हलचल है या चुनावी आपके जो भी कार्यक्रम है उसमें उनका कितना सहयोग मार्गदर्शन मिलता है? लेकिन निश्चित रूप से उनके जो अनुभव है और जिस तरह से उन्होंने अल्प समय में जो है अपने लिए एक अपनी पहचान बनाने का काम किया, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में दो बार ऐतिहासिक मतों से जीते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो है उन्हें
सम्मानित करने का काम किया, एक नौजवान को केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया, इतने बड़े प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा अवसर होगा कि एक पिता के बाद उसके पुत्र को इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी दी हो। तो ये हमारा सौभाग्य है। हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को लेकर के हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, और हमारे आदरणीय बड़े भैया भी लगातार जो है उनका मार्गदर्शन जो है हमें, हम लोग को, हमारे तमाम साथियों को, हम लोग को समय समय पर हमको मिलता रहता है। सचिन जी, आज आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर स्पष्ट रूप से आपने बताया कि कांग्रेस आखिरकार क्यों सत्ता में लौटेगी। साथ ही इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात एक रही, उसके लिए हम आपको बधाई देंगे कि आज के समय में ऐसे युवा नेता मिलना मुश्किल है जो अपनी पार्टी के सिद्धांतों को न गिनाते हुए विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि आज की राजनीति में विपक्ष पर आरोप लगाना ज़्यादा आसान है, बशर्ते कि अपनी उपलब्धियों को गिनाना। लेकिन आपने यहाँ पर उपलब्धियों को गिनाया, और ये ही सकारात्मक राजनीति है जो देश में, प्रदेश में जिसकी आवश्यकता है। आज आप यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल निरंतर जारी है। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में हम आपको उन शख्सियतों से मुलाकात करवाएंगे जो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं सकारात्मक रूप से, साथ ही जो इस विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा राजनीतिक दलों का। आज यहीं तक, अगली यात्रा में हम आपको फिर शामिल करेंगे। तब तक कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी।